एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, खासकर नए लोगों के साथ। जब भी आप काम के लिए अप्रोच करें किसी से भी, तो नॉनसेंस बात नहीं करनी चाहिए, नॉनसेंस तरीके से अप्रोच नहीं होनी चाहिए। एक सेंसिबल तरीका होना चाहिए, सेंसिबल बातचीत होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए और प्रोफेशनल बातचीत होनी चाहिए। टॉपिक से हटके या इधर उधर की बातें घुमा फिरा के बात करने की बजाय सीधा मुद्दे की बात करनी चाहिए। आजकल क्या है कि सोशल मीडिया या इंटरनेट एक ऐसा मीडियम हो गया है कि हम किसी से भी कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और लोग जो भी हैं, जो नए आर्टिस्ट हैं, वो एक्टर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ चैटिंग करते हैं, फेसबुक पे कनेक्ट होते हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्ट होते हैं। तो ठीक है, आप कनेक्ट हो गए, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप काम करना चाहते हैं तो एक सेंसिबल तरीका होना चाहिए, एक इस तरीके से भाई मैं काम करना चाहता हूँ, क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस है, एक प्रोफेशनल अप्रोच हो, एक सिस्टमेटिक अप्रोच हो। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जो बहुत से नए लोग इस तरह की नॉनसेंस अप्रोच करते हैं, इतना इरिटेट करते हैं कि समझ में नहीं आता उनका क्या किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, कहीं से किसी को सपोज मेरा नंबर मिला, अब वो मैसेज करना शुरू कर दिया, हाय, ठीक है, हाय, आप क्या करते हो, क्या करते हो मतलब, ठीक है यार मेरा प्रोफाइल चेक कर लो, अगर आपने फेसबुक पे मुझे रिक्वेस्ट भेजी है और मैंने एक्सेप्ट की तो आपने मेरा प्रोफाइल देखा होगा कि नहीं देखा। सिंपल सी चीज है, आप मेरा प्रोफाइल देख लो, उसमें फिर अब उसके बाद आप क्या करते हो, हाय, फिर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस तरह की चैटिंग चालू हो जाती है। फिर मुझे आपकी हेल्प चाहिए, ठीक है, क्या हेल्प कर सकता हूँ, और इतनी सब बातें सिर्फ चैटिंग में हो रही हैं। अभी तक एक चीज ये भी है कि भाई मैसेज भी नहीं करते, सिर्फ व्हाट्सएप हो गया या फेसबुक, मैसेज के लिए भी 1 रुपए या 50 पैसा खर्चा नहीं करते लोग। सर मुझे एक्टर बनना है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सर मुझे गाइड कीजिए, मुझे कुछ गाइडेंस दीजिए, और ये सब अभी तक व्हाट्सएप पे चल रहा है या फेसबुक पे चल रहा है, जो फ्री का जो है ना कम्युनिकेशन उस पे चल रहा है। जो आदमी एक 50 पैसे की, 1 रुपए की कॉल नहीं कर सकता, उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई। अगर आपको गाइडेंस चाहिए, इतना ही आप डेस्परेट हो, उठा के फोन करो ना यार, कोई इतना आदमी कोई खाली थोड़ी बैठा है कि आपके मैसेज का जवाब देता रहेगा। और उसके ऊपर अगर आप किसी के 4 मैसेज का जवाब नहीं दो तो फिर उसमें आर यू देयर, आर यू देयर, सर प्लीज, इस तरह के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। भाई सामने जिस आदमी से आप बात कर रहे हैं हो सकता है बिजी हो, उसके पास टाइम नहीं हो, और या वो इंटरेस्टेड ही नहीं हो, या फिर उसकी वो कैपेसिटी नहीं हो कि वो आपको एक्टिंग का काम दिला सके या किसी तरह का गाइडेंस दे सके। अगर कोई एक्टर है तो एक्टर आपको एक्टिंग का काम नहीं दिला सकता है, एक्टिंग का काम आपको प्रोड्यूसर दिलाएंगे, डायरेक्टर दिलाएंगे। तो ठीक है, अगर आपको किसी का, प्रोड्यूसर्स का, डायरेक्टर का, किसी भी इंडस्ट्री के आदमी का नंबर मिला है तो उसके पीछे मत पड़ो, इरिटेट मत करो, काम करना है फोन करके बात कर लो। ये नहीं कि सर मैसेज में ही आप मुझे पूरी गाइडेंस दे दो, एक तो ये हो गया। दूसरा, लोग फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है यार आपने फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज लिया, ऐड कर लिया, अब उसके बाद इंटरव्यू लेना चालू कर देते हैं, सर आप क्या करते हो, ठीक भाई मैं आर्टिस्ट हूँ, छोटे मोटे सीरियल्स करता हूँ, एड्स करता हूँ, या मैंने काफी जो भी काम, सर आपने कौन कौन सी फिल्मों में काम किया है, हमने तो आपको देखा नहीं। अरे नहीं देखा तो भैया इसके पास इसका जवाब थोड़ी मेरे पास कि मैं काम कर रहा हूँ इतने टाइम से और आपने मुझे नहीं देखा, तो इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं। आपने मुझे रिक्वेस्ट भेजी ना, मेरा प्रोफाइल देख के आपने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, उसके बाद जब सुबह उठेंगे तो पता चला कि 100 मैसेज गुड मॉर्निंग के फेसबुक पे आ गए, 100 मैसेज व्हाट्सएप में आ गए, आदमी किसी को जवाब देगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ठीक है, एक कम्युनिकेशन का, इंटरेक्शन का एक मीडियम है, बट एक उसको पर्सनल चैटिंग का मीडियम मत बनाइए, टू द पॉइंट बात कीजिए। अगर सामने वाला आपके मैसेज का जवाब नहीं दे रहा, आपका चैटिंग को रिप्लाई नहीं कर रहा,
तो आप फोन पे बात कर लीजिए, फोन कर लीजिए भाई। अगर आपको एक्टर बनना है, काम करना है, तो 1 रुपए की कॉल तो कर सकते हो ना। और मान लिया ठीक है, पर्सनल चैटिंग आपकी हो गई शुरू, बातचीत आपने शुरू की, हाय हेलो हुआ। होता क्या है फिर लोग मैसेज भेजते हैं कि ठीक है सर मुझे काम करना है। अब हमने बोला ठीक है काम करो, अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल करो, ठीक है फोन कर लो। नहीं सर आप मैसेज में ही समझा लो। अरे यार यही काम थोड़ी हमारा के काम धंधा छोड़ के हम सबको सिस्टम समझाते रहेंगे। ठीक है अगर आपको काम करना है तो अल्टीमेट आपको फोन भी करना पड़ेगा, बॉम्बे भी आना पड़ेगा। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि भाई ठीक है सर हमें काम करना है, बहुत अच्छी बात है, कुछ सीखा है, एक्टिंग आती है, कुछ किया है। नहीं सर सीखा नहीं है, हम ऐसे ही अपना घर में मिरर में देख देख के हम प्रैक्टिस करते हैं और कर लेंगे हम, ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। अच्छा ठीक है, ठीक है तो फिर एक काम करो यार आप ऑडिशन दे दो, या आप एक काम करो ऑडिशन का एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दो आप मुझे। आजकल तो व्हाट्सअप का ज़माना है, व्हाट्सअप फेसबुक आज इन सब का ज़माना है, आप एक काम करो एक ऑडिशन का वीडियो रिकॉर्ड करो आप भेज दो। सर ऑडिशन में क्या करना है, हमने तो कभी ऑडिशन दिया नहीं, हमें तो पता नहीं ऑडिशन कैसे देते हैं, कुछ भी बोल के भेज दो यार। सर हमने तो कभी कुछ बोला ही नहीं है कैमरे के सामने। भाई अभी तो कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि हमने हम कर लेंगे और ये सब, तो इस तरह की चीजें बहुत इरिटेट करती है। अगर आप कर सकते हो, आपको लगता है कि हाँ मैं कैमरे के सामने खड़ा होकर बोल सकता हूँ, तभी आप इतना कॉन्फिडेंट होकर बोलिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। भाई सिंपल सी बात है, कोई भी हमसे बोलता है एक्टिंग सी काम करना है, एक्टिंग करना तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप बॉम्बे आइए, एक्टिंग सीखिए, यहाँ टाइम दीजिए, लोगों से मिलिए, तो काम करेगा वो। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, आपको यहाँ आना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, मिलना जुलना पड़ेगा लोगों से, फिर वो जो प्रोसेस के थ्रू जब आप जाएंगे तो आपको काम मिलना शुरू होगा, वो प्रोसेस आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और वहीं इस तरह की नॉनसेंस बातें करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है आ भी नहीं सकते सर कुछ हमें यहीं पे कुछ बता दीजिए। ऐसे भी लोग हैं कि सर कहीं उत्तराखंड में बैठे हैं, कहीं किसी देश के किसी कोने में बैठे हैं, सर यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ कैसे हो सकता है, जो काम बॉम्बे में होगा तो बॉम्बे में हुआ ना, वहाँ कैसे होगा। तो इस तरह की नॉनसेंस चीज़ें बहुत बहुत मैं खुद फेस करता हूँ और बहुत मुझे इरिटेट करती हूँ। कई बार क्या करना पड़ता है कि उन लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में से हटाना भी पड़ता है, व्हाट्सएप पे से ब्लॉक करना पड़ता है। कई बार लोग हमारा ही इंटरव्यू लेना चालू कर देते हैं, ठीक है यार मैंने बोला कि ठीक है मैं कुछ प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मुझे नए आर्टिस्ट चाहिए, आप अपना वीडियो भेज दो। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक लड़के ने अपना वीडियो भेज दिया, उसमें साउंड नहीं थी, खाली एक्सप्रेशन कुछ अजीब अजीब से दिए हुए और उसमें वॉइस नहीं। तो मैंने कहा यार इसमें, मैंने उसको मैसेज किया कि इसमें वॉइस नहीं। नहीं सर मैंने साइलेंट भेजा। अरे तो साइलेंट फिल्म थोड़ी बना रहे हैं, ठीक है मैंने कहा तुम यार साउंड के साथ भेजो। नहीं सर मैंने साइलेंट ही भेजा मैं। अरे तो यार साइलेंट फिल्म नहीं बना रहे हम दोस्त, आप साउंड रिकॉर्ड करके भेजो, डायलॉग बोलोगे नहीं बोलोगे। फिर फ़ोन किया मुझे, सर आप क्या प्रोजेक्ट है, आप किसको ले रहे हैं, क्या बना रहे हैं, आपने पहले क्या बनाया। अरे यार मैंने कहा तुम दोस्त मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे हो, तुमको काम करना है तो जो बोला है वो करो ना यार, आप मुझे अपना एक अच्छा डायलॉग रिकॉर्ड करके भेजो, इतनी सारी कहानी बोलने का क्या मतलब है। तो ये सब चीज़ों से क्या होता है कि अगर आपका कुछ थोड़ा बहुत चांस भी होता है ना तो वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि सामने वाला इरिटेट हो जाता है। ऑलरेडी जो फिल्म लाइन के लोग हैं, प्रोडक्शन में हैं, या तो बहुत बिजी रहते हैं या बहुत काम के प्रेशर में रहते हैं, और ऐसे में कोई नया आदमी नॉनसेंस बात करके जब इरिटेट करता है ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी किसी से काम के लिए अप्रोच करें, अपनी सही तैयारी करके प्रॉपर सही अप्रोच करें, नॉनसेंस अप्रोच नहीं होना चाहिए।